24 घंटों में कोरोना के 679 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के कुल 2329 एक्टिव मामले हैं और कंटेनमेंट जोन की संख्या घटकर 322 रह गई है। कोरोना संक्रमण से 43 और मौत होने के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5,25,386 तक पहुंच गई है। मंत्रालय के मुताबिक इलाज करा रहे मरीजों की संख्या कुल मामलों का 0.28% है। वहीं कोरोना से ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.51% है, जबकि मृत्यु दर 1%। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। एक बार फिर से कोरोना वायरस के केस काफी तेजी से यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत भारत के सभी राज्यों में मिलने लगे, जिससे चिंताएं बढ़ने लगी। अभी सरकार ने एक नया फैसला लागू कर दिया है। कोरोना वायरस पर छात्र और छात्राओं को स्कूल और कॉलेज भेजने से पहले पहली और दूसरी डोज जरूर लगवा लें। बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवा लें, ये अनिवार्य कर दिया गया। वैक्सीनेशन का कार्य भी तेज कर दिया गया। पिछले एक हफ्ते से काफ़ी तेजी से कोरोना वायरस के केस मिलने के कारण अब सरकारें भी चिंता में आ चुकी हैं। लगातार स्कूल और कॉलेज को खोलने से पहले वैक्सीनेशन का कार्य कंप्लीट कराने को लेकर हिदायत दी जा रही थी। और काफ़ी बड़ी अपडेट है, स्कूल और कॉलेज खोलने से पहले अब छात्र छात्राओं को वैक्सीन